हिंदी जीके पार्ट वन। भारत में तेल की पहली प्रसंस्करण शाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी डिगबोई में, सी तारापुर में, डी कानपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन बी डिगबोई में, डिगबोई जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर दो, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945, बी 9 अगस्त 1944, सी 6 अगस्त 1944, डी 4 अगस्त 1946। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945। क्वेश्चन नंबर तीन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत में, बी चीन में, सी रूस में, डी जापान में। सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन में। क्वेश्चन नंबर चार, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1995 को, बी 12 अक्टूबर 1998 को, सी 12 अक्टूबर 2001 को, या डी 12 अक्टूबर 2005 को। सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर पाँच, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइकल रिचर्ड्स को, बी चार्ल्स बैबेज को, सी बिल गेट्स को, या डी जोसेफ हेनरी को। सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज को। क्वेश्चन नंबर छः, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी शाहजहां ने, या डी बाबर ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर सात, अफीम युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच, बी अमेरिका और रूस के बीच, सी ब्रिटेन और चीन के बीच, या डी भारत और चीन के बीच। सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन और चीन के बीच। क्वेश्चन नंबर आठ, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर नौ, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए काठमांडू में, बी नई दिल्ली में, सी इस्लामाबाद में, डी ढाका में। सही उत्तर है ऑप्शन ए काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर दस, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी कावेरी नदी, या डी गंगा नदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह के वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।